हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने पंजाबी ढाबा में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज पंजाबी ढाबा में हम बनाने वाले हैं खीर मालपुआ, जिसे पंजाब के लोग खीर पूड़े भी बोलते हैं। तीज त्योहारों पर और सावन के महीने में लोग इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। चलिए सबसे पहले हम खीर को बना लेते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। इस मिल्क को मैंने पहले से ही उबाल के रखा हुआ था और इसकी मलाई भी मैंने नहीं हटाई है। मलाई के साथ ही इस दूध को हम गैस पर गर्म करेंगे। खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिया है। 2 लीटर दूध में हम 1 कप चावल को डालेंगे। इन चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोकर 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अब इन चावलों को हम दूध में डाल देंगे और इसे कड़छी के साथ अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच इलायची पाउडर को डालेंगे। यदि आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप साबुत इलायची को ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खीर के फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने बादाम, काजू और पिस्ता लिया है। इसको हम ग्राइंड करके इसमें डालेंगे। इस तरह से हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेना है। इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। चलिए अब इसको हम दूध में ऐड कर लेते हैं। खीर में डालने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर ली है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब हम शुगर को दूध में ऐड कर लेंगे और इसके बाद अब हम इसमें किशमिश को भी ऐड कर लेंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पर रख देते हैं। मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गुड़ को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। अब इस गुड़ वाले पानी को हम छन्नी के साथ छान लेते हैं। गुड़ की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 2 कप ली है। गुड़ को पहले मैंने क्रश किया था, फिर उसके बाद मैंने गर्म पानी में इसे भिगो के रख दिया था। इसके बाद अब हम 3 कप गेहूं का आटा लेंगे। मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पर इस कप को ही सेट किया है। अब इस आटे में हम इस सौंफ को भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सौंफ 1 चम्मच ली है। सौंफ ऐड करने के बाद अब हम इसमें गुड़ वाले पानी को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से किसी विस्कर की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे। गुड़ वाले पानी को हमने थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालना है, एकदम से इसमें नहीं डालना, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। यदि हम इसमें एकदम से पानी को डाल देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, इसलिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी को ऐड करना है। ये देखिए, ये बैटर कुछ इस तरह से हमें चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं और खीर को देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, खीर हमारी अच्छी तरह से बन गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठंडी होने पर खीर और भी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, खीर हमारी रूम टेम्परेचर पर आ गई है। अब इसे हम सर्व करने के लिए एक बर्तन में निकाल लेते हैं। फ्रिज में रखने के बाद ये खीर और भी गाढ़ी हो जाएगी। खीर को अब हम ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी खीर बिल्कुल रबड़ी की तरह बनी है। ये बहुत ही डिलीशियस बनी है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। फ्रेंड्स, खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम मालपुआ बनाते हैं। पूड़े या फिर मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक पैन लूँगी। आप इसकी जगह पर तवा भी यूज़ कर सकते हैं। पूड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पर देसी घी को यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैन को ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद अब हम 1 कप में इस घोल को डालकर अच्छी तरह से फैला लेंगे। इस घोल को आपने एक ही जगह पर नहीं डालना, वरना ये पूड़ा मोटा बन जाएगा। पतला मालपुआ बनाने के लिए इसको हम अच्छी तरह से सेपरेट कर लेंगे। अब इस मालपुए को हमने पलट देना है और फिर इस तरह से हमने इसको प्रेस करना है।
बाकी के मालपुए भी इसी तरह से हमने तैयार कर लेने हैं। यदि आप इसे डार्क ब्राउन चाहते हैं तो आप इसे और भी ज़्यादा सेक सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रबड़ी जैसी खीर और मालपुए बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यदि मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।